वेलकम टू सौम्यास आर्ट। आज मैं आपको सिखाऊंगी पीकॉक का पेंटिंग कैसे बनाते हैं थर्मोकॉल से। ये देखिए, यही है वो पेंटिंग जो मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो प्लीज़ शुरू करने से पहले मैं आपको कहूंगी, प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको मेरी सारे यूट्यूब चैनल के अपडेट सबसे पहले। ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन बिलो। और ये देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए, ये जो है न्यूज़पेपर क्राफ्ट, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगी। और ये जो है, ये ब्रेड फ्लावर्स बनाए हैं मैंने, ये मैं आपको सिखाऊंगी, शेयर करूंगी अपनी वीडियोस। ये मैंने क्लोथ कलाज पेंटिंग बनाई है, अलग अलग टाइप के क्लोथ्स को इकट्ठा करके, उनके पीसेस काट के एक पेज पे पेस्ट करके, और उसके बाद इस पे भी बहुत मेहनत लगती है, कम से कम इसको एक दिन चाहिए बनने के लिए। तो अब हम अपनी पीकॉक का पेंटिंग को बनाते हैं, ये तो हमें अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाना सिखाऊंगी। सो लेट्स बिगिन। द मटेरियल वी नीडेड इज दिस थर्मोकॉल शीट। आई हैव डिवाइडेड दिस इनटू टू इक्वल पार्ट्स सो दैट देयर शुड बी नो मेस इन द रूम। दिस ग्लिटर्स, दिस 3D आउटलाइनर व्हिच इज ऑफ ब्लैक कलर, फेविकॉल, अ नाइफ व्हिच आई एम यूजिंग इट फॉर ओनली कटिंग एंड हीटिंग। This is a ball pen. This is a pencil. A design to how we have to make our the second ones. A white plate or any other plate you can use it. So guys, अब मैंने जैसे कि ये इसका face इस तरफ था, तो अब मैंने उसका उल्टा draw कर लिया है। तो अब हम इसे cut करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये thermocol फैले ना, तो आपको knife को हीट करना है और उसके बाद उसे कट करना है। मैं ये भी आपको दिखा देती हूँ, बट अगर बच्चे बना रहे हैं तो फिर प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ बनाएं, ताकि आपको कोई भी नुकसान ना हो। गाइस, मैंने इसे गर्म कर लिया है और अब मैं इसे कट करने जा रही हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्टली कट होता है इससे। गाइस अभी देखिए, ये इसको मैंने हीट करके ही पूरा कट करा है। अब मैं इस पे ये ग्लू लगा के ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की ग्लिटर लगाऊंगी, एंड आई वुड मेक दिस सेम लाइक दिस। मैं इसके फेस में सारा गोल्डन करने वाली हूँ, और इसके जो ये पंख है इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स करूंगी, और ये जो एक फ्लावर टाइप सा बना हुआ है इसमें ही सेम ब्लू करना है। और यहाँ पे हम कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि इसकी थिकनेस ज्यादा है, तो आप नाइफ को हीट करके ही इसे थोड़ा पतला कर सकते हैं, वैसे ये इतना ठीक लगता है। अब ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा करके बताती हूँ कि ये देखिए, पहले हम इसमें ये देखिए, ये मैं इसमें से ग्लू स्प्रेड कर रही हूँ। और अब मैं इसे अपनी फिंगर से बाकी पूरे फ्लावर के स्ट्रक्चर में स्प्रेड करूंगी, ताकि ये इवनली स्प्रेड हो जाए और जो ग्लिटर है वो अच्छी तरह से इस पे चिपक जाए। अगर आपकी ग्लिटर अच्छी तरह नहीं चिपकती है, तो आपको ग्लू ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अब ये देखिए, ये मैं वाइट प्लेट ले लेती हूँ, उस पे इसे ही रख रही हूँ। और अब मैं ब्लू ग्लिटर लूँगी, और मैं ब्लू ग्लिटर से इसके ऊपर ब्लू ग्लिटर स्प्रेड करूंगी। ये देखिए ऐसे। और अब जैसे ही ये इवनली स्प्रेड अब चिपक गया होगा, तो अब मैं इसे ऐसे सारा प्लेट पे कर दूंगी। और ये देखिए, ये हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर रेडी है। और यहाँ पे अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि गंदा है, तो अगर आप पूरे को बनाएंगे तो इट वुड बी क्लियर। ये देखिए, अब मैं ये गोल्डन कलर यूज करूंगी। ये मैंने इस पे ग्लू स्प्रेड कर दी है, इसे हम प्लेट में रखेंगे। और अब मैं इस पे गोल्डन कलर स्प्रेड करने लगी हूँ। पहले तो हम इसके आई पे भी स्प्रेड कर देंगे, उसके बाद हम 3D आउटलाइनर से इस पे आउटलाइनिंग करेंगे। ये देखिए, ये देखिए ऐसे इसे हम पूरा स्प्रेड कर देंगे ऐसे। और अब हम इसे सारा प्लेट में गिरा देंगे।
ताकि ये हम नेक्स्ट यूज़ कर सकें। अब फिर हम इसे अपने फिंगर से इकट्ठा कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा हर जगह पे डालते जाएंगे जहाँ पे हमने इसका गोल्डन इफेक्ट देना है। सो गाइस ये लग रहा है ना एकदम सेम टू सेम लगता है इसमें। ये देखिए ये जैसे मैंने इसमें आउटलाइन करी है, इसमें आउटलाइनिंग की कमी है। तो फिर अब हम इसमें आउटलाइनिंग करते हैं ये 3D आउटलाइनर से। ये जेल आउटलाइनर है, पहले ही जब हम इस पर करेंगे तो फिर ये ब्लूइश कलर का लगेगा और फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये ब्लैक कलर आ जाएगा जैसे ये इस पर दिखाया हुआ है। ये देखिए अब हम इस पर ये देखिए ये एकदम सेम टू सेम लग रहा है ब्लू ब्लू, लेकिन जब ये एकदम वो हो जाएगा सूख जाएगा तो फिर ये एकदम ब्लैक लगेगा। सो गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने दोनों पीकॉक का पेंटिंग थर्माकोल से बनाई हुई कहाँ लगाई है। सो कम विद मी। ये देखिए ये मैंने एक फर्स्ट पीकॉक का पेंटिंग यहाँ पे लगाई है और एक यहाँ पे ये दूसरी लगाई है। अब ये अच्छी तरह से सूखी नहीं है, जब ये सूख जाएगी तो ये और अच्छी लगेगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और आप अपना एक्सपीरियंस ऐसे पीकॉक बना के नीचे कमेंट सेक्शन में करिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।